हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ बैक मसाज की। जो देखिए गाइस, ये मेरी क्लाइंट हैं जिन्हें बैक मसाज में बैक में थोड़ा पेन भी था, तो ये मेरे इन्होंने फेशियल करवाया था। फेशियल के साथ मैं इनको बैक मसाज भी इंक्लूड देती हूँ। तो बैक मसाज हम इस तरीके से करते जिससे थोड़ी टैनिंग भी निकल जाए। तो मैंने इनके बैक पे स्क्रब किया है। स्क्रब को हल्के हाथों से ही करते हैं ये, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसलिए मैंने इनके बैक पे लिया था, स्क्रबिंग करी थी, और स्क्रबिंग इस हिसाब से करी थी कि इनको ज़्यादा चुभे ना, और इनकी बैक ज़्यादा गंदी भी नहीं थी। इनकी बैक पे ज़्यादा टैनिंग भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा बैक रिलैक्स के लिए चाहिए था। तो इनकी बैक पे मैंने स्क्रबिंग करी, और देखिए इनके हल्के हाथों से, जिससे अच्छे से टैनिंग भी निकल जाए और इनको रिलैक्स फील भी हो। तो इनके मैंने दोनों शोल्डर से नीचे की तरफ ले जाते हुए मसाज करी, थोड़ा अंगूठे से और हाथ से प्रेशर दिया, और ऐसे ही ऊपर से नीचे तक इनकी बैक की मसाज करी। और बहुत अच्छे से आपको 5 से 7 मिनट बैक मसाज देनी है, जिससे अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए इनकी बैक की, और इनको थोड़ा सा रिलैक्स भी मिले। तो ऐसे ही ये ऊपर से नीचे तक बीच की हड्डी के पॉइंट दबाते हुए नीचे तक ले जाना है, फिर वही पॉइंट को ऊपर तक लेके आना है, जिससे आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने इनके थोड़े नेक के ऊपर की तरफ, जो अच्छे से थोड़ा हार्ड हाथों से मसाज करी, क्योंकि इनकी बैक तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन जो इनकी गर्दन का पीछे का बैक नेक थी वो थोड़ी थोड़ी डार्क हो रही थी। तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा हार्ड हाथों से किया, फिर मैंने हल्के हल्के इनके थोड़े से घूंसे मारे, मतलब घूंसे जो एक स्टेप होता है वो हल्के हाथों से किया, और फिर अच्छे से इनको 5 से 7 मिनट इनको मैंने मसाज दी, बैक मसाज की। और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी भी हाथ में लेते गए और मसाज करती गई, और इससे इनकी बैक बहुत ही ज़्यादा क्लीन हुई। फिर मैंने एक साफ़ टिश्यू से, अच्छे से स्पॉन्ज से इनका बैक क्लीन किया। देखिए गाइस, इनकी बैक एकदम ही नीट एंड क्लीन हो गई है, और इनके कहीं पे भी